हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोज का अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एन एक्सीलेंट फादर, रिटन बाय जेन ऑस्टिन। इस ये जो भी लेसन लिखा गया है, इसके थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि एक माँ की चिंता अपनी बेटियों के लिए किस तरह की होती है, एक बाप की चिंता अपने बच्चों के लिए किस तरह की होती है, किस तरह एक माँ को अपनी बेटियों की फिक्र होती है कि अब वो बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी एक अच्छे घर में होनी चाहिए। तो ये सब इस लेसन के थ्रू ये हमें ऑथर ने समझाने की कोशिश की है। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, मिसेस लॉन्ग, मिस्टर बिंगले और उनकी मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की डॉटर्स। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। माय डियर मिस्टर बेनेट, सेड मिसेस बेनेट वन डे, हैव यू हर्ड दैट नीदरफील्ड पार्क इज लेट एट लास्ट। माय डियर मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट जो है वो अपने हस्बैंड से बोल रही हैं कि क्या तुमने सुना कि पास वाला जो घर है जिसका नाम है नेदरफील्ड पार्क, वो आखिर किराए पर चढ़ गया है। मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। और मिस्टर बेनेट ने क्या रिप्लाई किया, क्या उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने नहीं सुना। बट इट इज, सेड शी, फॉर मिसेस लॉन्ग जस्ट बीन देयर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। हाँ, वो चढ़ गया है किराए पर, मिसेस लॉन्ग ने मुझे बताया है। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर। मिस्टर बेनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। डू यू वॉन्ट टू नो हु हैज टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। उसकी जो वाइफ है यानी कि मिसेस बेनेट, वो एकदम इम्पेशेंटली आतुर होकर वो बोलती हैं, Do you want to know who has taken it? क्या तुम जानना चाहोगे कि उसे किसने लिया है? You want to tell me and I have no objection to hearing it. अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो मुझे कोई objection यानी कि आपत्ति सुनने में नहीं है। This was invitation enough. ये Mrs. Bennett के लिए एक निमंत्रण जैसा था कि अब वो अपनी बात बता सकती हैं। Why, my dear, you must know Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England. He came on Monday to see the place and was so much delighted with it that he agreed to take it. तो वो जो मिसेस बेनेट है वो बताती हैं कि मिसेस लॉन्ग ने उन्हें बताया है कि नेदरफील्ड जो घर है वो एक यंग मैन ने लिया है और वो उसका एक अच्छी किस्मत वाला, एक लार्ज फॉर्च्यून का वो इंसान है, एक अच्छी किस्मत का वो धनी है। और वो कहाँ से है? फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के नॉर्थ रीजन से वो बिलोंग करता है। ही केम ऑन मंडे, मंडे को वो आया था टू सी द प्लेस एंड वॉज सो मच डिलाइटेड। वो देखने आया था टू सी द प्लेस एंड वॉज सो मच डिलाइटेड, देखकर वो इतना आनंदित हुआ इस प्लेस को, विद इट दैट ही एग्रीड टू टेक इट, वो इतना खुश था उसे देखकर कि वो उसे लेने के लिए मान गया। व्हाट इज हिज नेम, तो मिस्टर बेनेट पूछते हैं अपनी बीवी से कि उसका नाम क्या था। तो वो बताती हैं बिंगले, उसका नाम जो है वो बिंगले है। इज ही मैरिड और सिंगल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर बेनेट क्या पूछते हैं कि वो मैरिड है या सिंगल है। ओह, सिंगल माय डियर, टू बी श्योर। तो मिसेस बेनेट जो है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस, वो क्या बताती हैं कि वो सिंगल है। माय डियर, अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून, एक सिंगल जो विवाहित नहीं है, अविवाहित एक सिंगल आदमी है जो कम से कम 4 से 5 हजार तो एक साल में बना ही लेता है। What a fine thing for our girls, कितनी अच्छी बात है हमारी लड़कियों के लिए। How? तो मिस्टर बेनेट बोलते हैं कैसे, हमारी लड़कियों के लिए कैसे ये अच्छी बात है। My dear Mr. Bennett, replied his wife, how can you be so tiresome?
मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, तुम इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो? यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ मैरिंग वन ऑफ देम। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उसकी शादी हमारी बेटियों में से किसी एक से हो जाए। इज दैट हिज डिजाइन इन सेटलिंग हियर? क्या ये उसका डिजाइन है, डिजाइन योजना? क्या वो जो मिस्टर बिंगले है वो एक योजना के तहत यहाँ रहने आया है? डिजाइन? नॉनसेंस। हाउ कैन वी टॉक सो? बट इट इज वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम एंड देयरफॉर यू मस्ट विजिट हिम एज सून एज ही कम्स। तो क्या वो बोलती है डिजाइन ऐसी बात कर रहे हो? वो क्यों योजना बनाकर यहाँ आएगा? हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वो हमारी किसी एक बेटी से प्यार में पड़ जाए और उनमें से किसी एक से शादी कर ले। आई सी नो ओकेजन फॉर दैट। यू एंड द गर्ल्स मे गो और यू मे सेंड देम बाय देमसेल्व्स, व्हिच परहैप्स विल बी स्टिल बेटर फॉर एज यू आर एज हैंडसम एज एनी ऑफ देम। मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी। तो मिस्टर बिंगले क्या बोल मिस्टर बेनेट सॉरी मिस्टर बेनेट क्या बोलते हैं? आई सी नो ओकेजन फॉर दैट। मुझे कोई अवसर इसमें नहीं दिखता। यू एंड द गर्ल्स मे गो, तुम और तुम्हारी लड़कियां जा सकते हो। और हो सकता है कि उसे तुम्हारी लड़कियों से भी ज्यादा तुम ही खूबसूरत लग जाओ। तुम बहुत खूबसूरत महिला हो। माई डियर यू फ्लैटर मी। मेरे प्यारे तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। फ्लैटर चापलूसी। I certainly have had my share of beauty. हाँ, मैं सुंदर हूँ। But my dear, you must indeed go. तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood. और Mr. Bingley से बात करनी चाहिए और उससे मिलना चाहिए। I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you and I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. तो मिस्टर बिंगले क्या कहते हैं? आई डेयर से, मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ। डेयर से मतलब साहस। मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ दैट मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू। ग्लैड, खुश, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। आई विल सेंड अ फ्यू लाइन्स बाय यू। मैं कुछ लिखकर एक नोट तुम्हें दे दूंगा। कंसेंट मतलब सहमति। कंसेंट का मतलब सहमति कि हाँ, मेरी सहमति है। मेरी किसी भी बेटी से अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मेरा उसके लिए कंसेंट है, मेरी उसके लिए सहमति है। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी। डिलाइट खुशी, वैक्सिंग इरिटेटिंग। क्या तुम्हें मुझे परेशान करने में खुशी मिलती है? मिसेस बेनेट ने मिस्टर बेनेट से कहा। यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्व्स। कंपैशन, दया, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती। You mistake me, my dear. I have a high respect for your nerves. They are my old friends. तुम्हें गलती लग रही है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी दया है और मैं तुम्हारी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स की। आह, यू डू नॉट नो व्हाट आई सफर। नहीं, तुम नहीं जानते मैं किस चीज से सफर कर रही हूँ। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट एंड लिव टू सी मैनी यंग मैन ऑफ 4,000 अ ईयर कम इन टू द नेबरहुड। तो मिस्टर बेनेट क्या बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे बड़े सारे यंग मैन मिलेंगे जो हमारे नेबरहुड में आएंगे, जो 4,000 एक साल में कमा लेते होंगे। तो मिसेस बेनेट क्या कहती हैं? इट विल बी नो यूज टू अस इफ 20 सच शुड कम सिंस यू विल नॉट विजिट देम। लेकिन चाहे जितने मर्जी हमारे घर के पास यंग मैन रहने आए जो अच्छा कमाते हो, हमें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। टू विजिट देम, विजिट देम मतलब मिलने जाना। मिस्टर बेनेट वॉज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बिंगले। जबकि असल में क्या था, मिस्टर बेनेट जो थे वो ही सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे कि कब मिस्टर बिंगले आएंगे और वो उनसे मिलने जाएं। He had always intended to visit him. उनकी हमेशा से इच्छा थी, इंटेंट इच्छा से कोई कार्य करना, उनकी हमेशा से इच्छा थी उससे मिलने जाना।
नो टू द लास्ट ऑलवेज एश्योरिंग हिज वाइफ दैट ही शुड नॉट गो। लेकिन वो अपनी वाइफ को हमेशा ये विश्वास दिलाते थे कि वो मिलने नहीं जाएंगे और उन्हें कोई भी उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वाज पेड शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट। जिस मॉर्निंग को मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिलने गए उस शाम तक भी मिसेस बेनेट को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि उसके पति जो है उसके नेबर में जो यंग लड़का रहने आया है उससे मिलकर आ चुके हैं। इट वॉज देन डिस्क्लोज इन द फॉलोइंग मैनर। और फिर ये जो बात का खुलासा किस तरह से हुआ, डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना किसी बात का। ऑब्जर्विंग हिज सेकेंड डॉटर एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग अ हेयर He suddenly addressed her with, "I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie." Mr. Bennet ने जब शाम को देखा कि उसकी एक बेटी अपनी हैट को ठीक करने में लगी हुई है, तब उन्होंने अचानक उससे कहा, "I hope मुझे मुझे it, I hope Mr. Bingley will like it. I hope hope मतलब आशा। मुझे आशा है कि Mr. Bingley को ये जरूर पसंद आएगी, Lizzie." लिजी उसकी बेटी का नाम था। वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर बिंगले लाइक सेड हर मदर सिंस वी आर नॉट टू विजिट। तो इस पर मिसेस बेनेट क्या बोलती हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर बिंगले को ये पसंद आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि हम तो उससे मिलने नहीं जा रहे हैं ना। बट यू फॉरगेट मामा सेड एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जिसका निकनेम लिजी था उसने बोला कि मामा आप कैसे भूल गई, फॉरगेट मतलब भूलना, That we shall meet him at the assemblies. हम उससे मिलने वाले हैं assemblies में, and that Mrs. Long has promised to introduce him. Mrs. Long ने खुद हमसे ये promise किया है, promise मतलब वादा किया है कि वो हमें उससे जरूर मिलवाएंगी। I do not believe Mrs. Long will do any such thing. और इस पर मिसेस बेनेट ने क्या कहा कि मुझे कोई विश्वास नहीं है कि मिसेस लॉन्ग इस तरह का कुछ भी करेंगी, हमारे लिए कुछ भी इस तरह का फेवर वो क्यों करेंगी। शी हैज टू नीसेस ऑफ हर ओन, उसकी खुद की दो भतीजियां हैं। शी इज अ सेल्फिश वुमन, वो एक सेल्फिश औरत है। मिसेस बेनेट बिगिन स्कोल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स, और मिसेस बेनेट जो है उसके बाद अपनी एक बेटी को डांटने लग जाती है। स्कोल्डिंग मतलब डांटना। Don't keep coughing so, Kitty. For heaven's sake, have a little compassion on my nerves. उसकी जो एक बेटी थी वो खांस रही थी, और जब इंसान गुस्से में होता है तब कोई भी चीज उसे बहुत जल्दी इरिटेट करना शुरू कर देती है। तो वो क्या कहती है, Don't keep coughing so, तुम इस तरह से खांसी मत करो। For heaven's sake, भगवान के लिए तब से खांसी क्यों करी जा रही हो। Have a little compassion on my nerves. मेरी नर्व्स पर दया करो। किटी हैज नो डिस्क्रिशन इन हर कफ सेड हर फादर शी टाइम्स देम इल। तो उसके पापा क्या कहते हैं कि किटी ये कुछ भी सोच समझ कर डिसाइड नहीं करती है, अपनी खांसी के लिए वो कभी भी सोचती समझती नहीं है। आई डू नॉट कफ फॉर माई ऑन अम्यूजमेंट सेड किटी फ्रेटफुली। किटी गुस्से में परेशान होते हुए क्या बोलती है, फ्रेटफुली मतलब परेशान होना या परेशान करना। जैसे ही किटी फ्रेटफुली, फ्रेटफुली होता है कि मतलब एक गुस्सा वाला एंगर वाला फेस बनाकर किटी ने क्या बोला, आई डू नॉट कफ फॉर माई ऑन एम्यूजमेंट, मैं अपने खुद के मनोरंजन के लिए खांसी नहीं कर रही हूँ। एम्यूजमेंट मतलब एंटरटेनमेंट। Let us return to Mr. Bingley, continued Mr. Bennet. तो Mr. Bennet ने क्या बोला कि चलो वापिस से हम Mr. Bingley की बात पर आते हैं। I am sick of Mr. Bingley, cried his wife. तो उसकी जो wife थी यानी कि Mrs. Bennet वो जोर से चिल्लाई, I am sick of Mr. Bingley, मैं अब उनका नाम नहीं सुनना चाहती। I am sorry to hear that, why did not you tell me so before? तो मिस्टर बेनेट क्या बोलते हैं, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मिस्टर बिंगले का नाम सुनना नहीं चाहती हो। इफ आई हैड नोन सो मच दिस मॉर्निंग, अगर मुझे ये सब सुबह ही पता होता, आई सर्टेनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम, बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, वी कैन नॉट एस्केप द अकर्टेंस नाउ। तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं
कि काश ये मुझे पहले पता होता तो मैं आज सुबह उसके पास मैं उसे विजिट करने के लिए नहीं जाता, मैं उसके पास उससे बातचीत करने नहीं जाता। और अब मैंने उसे बुला भी लिया है, तो अब हम उससे और उसे अपनी जो जान पहचान बढ़ाने से अब रोक नहीं पाएंगे। द एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज वॉज जस्ट वॉट ही विश दैट ऑफ मिसेस बेनेट सरपासिंग द रेस्ट। तो अब मिसेस बेनेट को अच्छा लगने लगा और वो हैरान भी थी कि ये मिस्टर बेनेट क्या कह रहे हैं। हाउ गुड इट वॉज ऑफ यू माई डियर मिस्टर बेनेट। तो वो क्या बोलती है, तुम कितने अच्छे हो, तुमने कितना अच्छा काम किया है, बट आई न्यू आई शुड परसुएड यू एट लास्ट। परसुएड मतलब मना लेना, मना लेना। वो क्या कहती है, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि आखिर मैं तुम्हें मना ही लूंगी। आई वॉज श्योर यू लव योर गर्ल्स टू वेल टू निगलेक्ट सच एन एक्विटेंस। तो वो कहती है, मुझे पता था कि तुम भी अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कि तुम ये मौका हाथ से नहीं जाने दोगे। और उस जो नया नेबर में जो यंग मैन आया है, यंग मैन, उससे तुम अपनी जान पहचान जरूर बढ़ाओगे। हाउ प्लीज आई एम, एंड इट इज सच अ गुड जोक टू, दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग एंड नेवर सेड अ वर्ड अबाउट इट टिल नाउ। वो कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे हंसी भी आ रही है कि तुम इस आज मॉर्निंग में मिलने भी गए और तुमने इस बारे में हमसे एक शब्द भी नहीं कहा। नाउ किटी यू मे कफ एज मच एज यू चूज सेड मिस्टर बेनेट एंड एज ही स्पोक ही लेफ्ट द रूम। तो मिस्टर बेनेट अब क्या कहते हैं कि किटी अब तुम जितना मर्जी खांसी करना चाहो तुम कर सकती हो। व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव गर्ल्स सेड मिसेस बेनेट व्हेन द डोर वाज शट। और उसके बाद जब मिस्टर बेनेट रूम से चले गए और दरवाजा बंद हो गया, तो मिसेस बेनेट क्या कहती हैं अपनी बेटियों से, व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव। बेटियों, तुम्हारे पास कितने अच्छे पिता हैं, कितने कमाल के पिता हैं। तो इस स्टोरी से सॉरी इस लेसन से हमें मुझे जो लगता है, जो हमें सीखने को मिला, वो ये कि हमारे पेरेंट्स को हमेशा ही अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है, चाहे चाहे वो इसे व्यक्त करें, चाहे वो इसे व्यक्त ना करें अपने शब्दों में। जैसे मिसेस बेनेट थी, जो कि मदर थी, वो अपनी चिंता को अपने वर्ड्स में व्यक्त करती थी, लेकिन मिस्टर बेनेट जो हैं वो अपनी चिंता को अपने वर्ड्स के थ्रू व्यक्त नहीं करते थे। सो ऑल इन ऑल, चाहे हमारे पेरेंट्स अपनी चिंता को अपने वर्ड्स के थ्रू व्यक्त करें या ना करें, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की हमेशा दिन रात हर पल चिंता लगी रहती है। तो ये आज हमने ये लेसन को रीडिंग की है विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।